मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज आपके लिए रेस्टोरेंट से भी बहुत ही बेहतरीन कड़ाई पनीर की रेसिपी है। बहुत टेस्टी बनती है, इजी से बन जाती है और आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगी, तो एक बार आप ज़रूर बना के देखें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, उसमें 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें तेल। तो इसे डाल के अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जो मिर्ची और नमक है साथ में तेल डाला हुआ है उससे हमारा जो पनीर है वो अच्छे से कोटेड हो जाए और चारों तरफ उसको जो है मिर्ची और नमक लग जाए। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब हमने पैन लिया है, पैन में हम पहले 1 टीस्पून ऑयल ले रहे हैं और फिर इसमें हम डालेंगे 20 ग्राम बटर। तेल में बटर डालने से बटर जो है वो काफ़ी ईजीली मेल्ट हो जाता है और जैसे हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे हमारे पनीर। अब हमें पनीर को इसमें फ्राई करना है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हम बटर में ही पनीर को फ्राई क्यों करते हैं, क्योंकि बटर में पनीर को फ्राई करने से ये जो बाहर से अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो हमने इसको मीडियम आंच पे हल्का गोल्डन होने तक इसे फ्राई करना है। तो अब जैसे ही हल्का से एक साइड से फ्राई हो जाए हम उसे पलट देते हैं ताकि वह दूसरी तरफ से फ्राई हो जाएगा। हमें पनीर को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है और उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस तरह से हम सारे पनीर के टुकड़े को पलट देते हैं और 2 मिनट में जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। बटर में फ्राई करने के कारण हमारा जो पनीर है वो काफ़ी सॉफ्ट है और जो हमने मसाला इसमें हल्का सा स्प्रिंकल करके फिर इसे फ्राई किया है तो उसकी वजह से पनीर का स्वाद भी बहुत ही बढ़िया है। अब ये जो तेल एक्सेस आपको दिख रहा है इसे आप नहीं निकालेंगे। इसी पैन में हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ डालेंगे। इसको मैंने पेटल्स के तौर पे काटा है, जैसे कि हम मंचूरियन वगैरह बनाते हैं तब निकालते हैं उसी तरह से मैंने लिया है। हल्का सा इसे सॉटे करेंगे, जैसे ही हमारा जो प्याज है हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक हमें इसे पकने देना है। तो बीच बीच में आप चलाते रहें और जैसे ही आपको लगे कि इसका जो रंग है हल्का सा चेंज हो गया है और थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो चुका है, अब हम हमारे प्याज को बाहर निकाल लेंगे और दूसरे एक बाउल में डाल देंगे। प्याज को निकालने के बाद इसी पैन में हम शिमला मिर्ची को फ्राई करेंगे। तो मैंने 1/2 शिमला मिर्ची ली है हरे कलर के लिए, आप चाहे तो कलरफुल ले सकते हैं। इसे भी हमें मीडियम से हाई हीट में फ्राई करना है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर ही ये पक जाएगा। तो हल्का सा इसे बीच बीच में चलाते रहें और जैसे ही ये 2 मिनट हो जाए, ये हल्के से फ्राई हो जाए, तो आप इसे भी अलग बाउल में निकाल लें। अब इसी पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल और मिला देते हैं और इसमें जैसे हमारा तेल हल्का सा गर्म हुआ हम खड़े मसाले डालेंगे। तो मैंने 2 छोटी लविंग ली है, 2 छोटी इलायची ली है, 2 से 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं और इसमें हमने डाला है 1 तेज़पत्ता। अब इसे हल्के से मिक्स कर दें और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा हमारा चटकने लगेगा हम इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इससे पहले भी हमने 1 प्याज यूज़ किया था तो टोटल हमने 2 प्याज ले लिए हैं। अब इसे हल्का सा सॉटे कर लें तो 2 मिनट के लिए हम इसे चलाएंगे, हल्का सा ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, तब तक हम इसे चलाएंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहें और प्याज मैंने थोड़ा सा रफली चॉप्ड यूज़ किया है क्योंकि हमें बाद में इसे वैसे भी पीसना है, तो हल्का सा ये जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। और अब हम इसमें मिला देते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो मैंने 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और उसे भी हमें कम से कम 1 मिनट के लिए हल्का सा तेल में सॉटे करना है ताकि उसका जो कच्चेपन का जो खुशबू है वो चली जाए और हमारा जैसे ही ये जो है जिंजर गार्लिक अच्छे से फ्राई होने लगेगा तो फिर इसमें हम मिलाएंगे टमाटर। तो अब देख सकते हैं आपके हमारे इसमें से खुशबू आने लग गई, यानी कि जिंजर गार्लिक पक चुका है। तो अब हम मिला देते हैं इसमें टमाटर। तो मैंने 1 टमाटर लिया है और इसे अच्छे से इसे पकाना है तो कम से कम 3 से 4 मिनट हमें टमाटर को पकने में लग जाएंगे। तो एक बार अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। टमाटर लेते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि टमाटर अच्छा पका हुआ लें ताकि जो हमारा करी का कलर है वो भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक देते हैं। टमाटर हमारा बहुत अच्छी तरह पक चुका है और आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और फिर हमारी जो गैस की फ्लेम है उसे ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि अब हम इसे ठंडा करना है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें इसे पेस्ट बना देना है। तो हम इसे निकाल देते हैं और अब हमने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा बारीक पिसा हुआ है। अब पैन में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसमें हमने 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है। बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है, मिर्ची बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए और उसके बाद हम इसमें हमारा जो पेस्ट है वो डाल देते हैं। तो मिर्ची पहले इसलिए डालते हैं क्योंकि मिर्ची को जैसे हम तेल में तड़का लगाते हैं तो उसका जो रंग आता है वो बहुत ही बेहतरीन आता है, आपकी सब्ज़ी का कलर भी एकदम से निखर के आएगा।
बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है वो धीमी रखना है, नहीं तो हमारी मिर्ची जलने का भी डर रहता है। तो जैसे ही इसमें हल्का सा उबाल आने लगे, हम इसमें मिला देंगे एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। इसे अब अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसे हमें ढककर 5 मिनट तक के लिए पकाना है ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाए और वो ऑयल छोड़ने लगे। 5 मिनट बाद देख सकते हैं आप चारों तरफ से जो है ऑयल निकल रहा है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, अच्छे से भून चुका है। अब भूनने के बाद हमारे मसाले में हम डालेंगे 1/2 कप पानी। अब हम इस पानी को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें और उसमें हल्का सा बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही हमारी ग्रेवी में बॉईल आने लगेगा, हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच कसूरी मेथी और इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसे फिर से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें मिला देंगे हमारे जो फ्राई करके रखे हुए कैप्सिकम है और प्याज है, इन दोनों को हम इसमें मिला देते हैं। प्याज और कैप्सिकम को मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें। अब हमारा जो मसाला है, जो ग्रेवी है, इसका टेस्ट हमारे शिमला मिर्ची और प्याज में आना है, तो उसके लिए हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अब इसे हम ढक देते हैं। 3 मिनट बाद आप देखेंगे जो हमारी ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छी क्रीमी हो गई है, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है क्योंकि हमने जो प्याज और कैप्सिकम को बटर में फ्राई किया था, वो बटर का भी एक स्वाद और वो जो खुशबू है वो भी हमारी ग्रेवी में आ चुकी है। अब हम इसमें पनीर मिला देते हैं। पनीर को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद पनीर को भी हमें 3 मिनट के लिए ढक के पकाना है क्योंकि पनीर में भी हमारा वो जो ग्रेवी का टेस्ट है वो आना है, तो इसे हम ढक देते हैं। कड़ाई पनीर हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसे गार्निश कर देते हैं कटे हुए हरे धनिए से। और हरे धनिया डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये जो सब्जी है, रेसिपी है, बहुत ही इजी है और बहुत टेस्टी बनता है। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। इसका जो स्वाद है वो आपके किसी भी रेस्टोरेंट से भी बहुत ही बेहतरीन है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।